दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NR करण GK क्लासेज में। दोस्तों मैं प्रजापति सर। दोस्तों RRB NTPC CBT एग्जाम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो लेवल 4 और 6 का एग्जाम होने वाला है 9 मई और 10 मई को, उसके लिए दोस्तों रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और कहां से कहां तक ये ट्रेनें चलाई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर चेंज के लिए दोस्तों रेलवे ने क्या ऑफिशियल जवाब दिया है। इसके अलावा दोस्तों लेवल 2, 3 और 5 का जो एग्जाम है उसके लिए सेंटर कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ सेंटर होंगे। इसके अलावा लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम कब होने वाला है, इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट NFR का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट खोल रखा है। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक खबर है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक होगी दोस्तों, ये इससे मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों स्पेशल जो ट्रेन है वो कहां से चलेगी और आप उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR स्पेशल ट्रेन फॉर कैंडिडेट ऑफ RRB NTPC स्पेशल ट्रेन बिटवीन अगरतला एंड डिब्रूगढ़। दोस्तों यहां पर कंपोजिशन लिखा हुआ है। ये कंपोजिशन देखिए दोस्तों स्लीपर क्लासेज के 13 कोच होंगे, 13 कोच एंड GSLRD 1 और टोटल 14 कोच होंगे। 14 कोच की दोस्तों ये गाड़ी होगी जिसमें 13 स्लीपर कोच होंगे, एक SLRD होगा। यहां पर लिखा है दोस्तों टू फैसिलिटी कैंडिडेट ऑफ RRB NTPC इट हैज बीन डिसाइडेड टू रन स्पेशल ट्रेन नंबर 5056906705670 बिटवीन अगरतला एंड डिब्रूगढ़ एज पर डिटेल गिवन बिलो। नीचे डिटेल दी गई है दोस्तों, ये दो ट्रेनें चलाई गई हैं दोस्तों अगरतला से डिब्रूगढ़ के लिए। दोस्तों ये ट्रेनें केवल अगरतला से डिब्रूगढ़ के लिए चलाई गई हैं और इसमें बीच में जो भी एग्जाम सेंटर होंगे उन छात्रों के लिए ये दोस्तों हैं। यहाँ पर जो पहली ट्रेन यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5056906 ये फ्रॉम अगरतला से चलेगी दोस्तों, और यहाँ पर बीच में स्टेशन लिखे हुए हैं, इन स्टेशनों से रुकती हुई दोस्तों डिब्रूगढ़ पहुँचेगी। और दूसरी जो ट्रेन है दोस्तों ये 9 मई को शाम को 21 बजे चलेगी, जिसका नंबर होगा 05670 डिब्रूगढ़ से चलेगी और ये डिब्रूगढ़ से चल के अगरतला पहुँचेगी दोस्तों। इस प्रकार आप इस ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये रेलवे का मात्र दिखावा है क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के सेंटर बहुत दूर दूर हैं और कई छात्रों को तो कोई डायरेक्ट ट्रेन ही नहीं मिली है। दोस्तों ये ट्रेन जो रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के नाम चला रहे हैं ये दिखावा कर रहे हैं दोस्तों केवल, और काफ़ी छात्रों को तो दो दो ट्रेनें, तीन तीन ट्रेनें चेंज करके जाना पड़ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ट्रेनों में जगह ही नहीं मिल रही, बहुत सारी ट्रेनों में जगह ही नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। बाकी छात्रों का मुझे बहुत सारा कमेंट भी आए हैं कि दोस्तों कि सर यहाँ पर जो हम ट्रेन से जाना चाह रहे हैं उस ट्रेन में जगह नहीं है, यहाँ के लिए ट्रेन नहीं है और सीट नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों रेलवे को इस प्रकार से सेंटर नहीं देने चाहिए थे, और फिर से अगर ऐसा सेंटर दिया जाता है, दूर सेंटर दिया जाता है, तो हर रूट के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी। कि अगर दूर सेंटर दिए जा रहे हैं तो पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए थी, हर रूट के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी रेलवे को, लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया। और दोस्तों ये स्पेशल ट्रेन भी कई मंत्रियों और सांसदों के या छात्रों की मांग के आधार पर ही चलाई गई थी दोस्तों, चलाई जा रही है कि विरोध ज़्यादा नहीं बढ़े इसलिए ये ट्रेनें चलाई गई है, और नहीं तो दोस्तों ये भी नहीं चलती। ये दोस्तों ट्रेन का कंपोजिशन आपको बता ही दिया है। रेलवे को दोस्तों हर रूट पर ट्रेन चलानी चाहिए जिससे आसानी से CBT 2 एग्जाम लेवल 4 और 6 का एग्जाम परीक्षार्थी दे सकें। दोस्तों रेलवे ने जब ALP और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, ALP टेक्नीशियन का एग्जाम तो हुआ था, उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से स्पेशल ट्रेनें रेलवे को अब भी NTPC CBT 2 एग्जाम के लिए चलानी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा तो एक स्पेशल और एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए जो ऑफिशियल जवाब आया रेलवे का, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर NWR रेलवे का ट्विटर अकाउंट खोल रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एप्रिसिएशन
ऑन एफर्ट्स टेकन बाय इंडियन रेलवे फॉर आरआर बीज एग्जाम। आरआरबी को एग्जाम कराने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से सराहनीय कदम उठाए गए हैं, ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि आपका एग्जाम सेंटर नहीं बदला जाएगा, आपका जहां एग्जाम सेंटर आया है वहीं पर आपको एग्जाम देना होगा। और दोस्तों जब छात्रों को सिटी इंटीमेशन दिए गए थे तो काफ़ी छात्रों ने रिजर्वेशन करा लिए गए थे और काफ़ी छात्रों ने अभी तक रिजर्वेशन नहीं कराए हैं, और जो ऐसी स्पेशल ट्रेनें हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक रिजर्वेशन नहीं कराया है। और दोस्तों स्पेशल ट्रेन आपको फ्री में नहीं ले जाएंगी, आपको उनमें रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, टिकट कराना पड़ेगा और तभी आपको उनका फ़ायदा मिल सकेगा। दोस्तों यहाँ पर लेवल 4 और 6 का एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर दिए गए हैं, जिसमें सांसद और मंत्रियों की तरफ से ये 2 लेटर जारी किए गए थे। अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उनके लिए ये जारी किए गए थे। इनमें कहा गया कि एग्जाम सेंटर उनके होम स्टेट में ही दिए जाएं, नज़दीक से नज़दीक एग्जाम सेंटर दिए जाएं जिससे बच्चों को परेशानी नहीं हो। लेकिन दोस्तों यहाँ ने रेलवे ने एक लाइन कही है कि अप्रिसिएशन ऑफ एफर्ट्स टेकन बाई इंडियन रेलवे फॉर आरआरबी एग्जाम, कि आरआरबी का जो एग्जाम कराया जा रहा है भारतीय रेलवे की तरफ से जो सराहनीय कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि आपका एग्जाम सेंटर नहीं चेंज होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर कि लेवल 2, 3 और 5 के जो एग्जाम सेंटर हैं वो कहाँ पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, जब लेवल 4 और 6 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत कम बच्चे हैं, जब लेवल 4 और 6 के एग्जाम के लिए ही इन्होंने काफ़ी दूर दूर सेंटर दिए हैं, तो दोस्तों लेवल 2, 3 और 5 में बच्चों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों आप आशा नहीं रखें कि आपको सेंटर नज़दीक मिल जाएगा, दोस्तों सेंटर आपको दूर ही मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर दूर ही मिलेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं हम कि एग्जाम लेवल 2, 3 और 5 का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि ये एग्जाम मई के लास्ट में शुरू हो सकता है, प्रबल संभावना है दोस्तों मई के लास्ट में शुरू होने की, और जून तक ये दोस्तों एग्जाम खत्म हो जाएंगे। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।